तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ सर्च करेंगे अंडर 45.in, ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ टेलीग्राम अलर्ट फॉर द वैक्सीनेशन स्लॉट इन इंडिया इस ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट है, और UN45 जो है ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि कोविड वैक्सीन लेने में हेल्प करता है, तो इस पर ऑन करेंगे और टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाएंगे। तो इस जो ये जो ग्रुप है यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ ज्वाइन करते हैं हम लोग देख सकते हैं कि ढेर सारा जो है मैसेज जो है इसके अंडर में आ रहा है। देख सकते हैं जैसे अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं, हम पटना बिहार से हैं, तो पटना बिहार जैसे वहाँ इनपुट करेंगे तो पटना ग्रुप में जितने भी जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर है और जहाँ जहाँ सीट अवेलेबल है वो चीज़ यहाँ शो करेगा कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं मानिए 8,14,000 है, 8,08,000 है, 8,01,000 है, ये सब पटना का पिन कोड है। तो उसके बाद हम लोग कोविन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे इसके थ्रू डायरेक्ट जा सकते हैं। आप पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि 5 बार हम कोशिश किए बट मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, तो ये अब दूसरे प्रोसेस से एक बार ट्राई करते हैं। तो चेक किया जाए आता है, अरे आ गया। तो यहाँ से कॉपी करते हैं OTP और फिर OTP को इनपुट करते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन जो था ये मेरा नहीं हो रहा था, पिछले 5-6 बार से ट्राई कर रहे हैं, अपने चैनल पे वीडियोस भी डाले हैं इसका क्यों नहीं हो रहा था और क्या प्रॉब्लम था वो भी दिखाए हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो करते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ दिख रहा है हमको फ़ोटो ID प्रूफ, फ़ोटो ID नंबर, नेम, जेंडर और ईयर ऑफ बर्थ। तो आधार कार्ड इनपुट करते हैं और इसके बाद जो भी डिटेल है ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको फिलअप कीजिए पूरा कंप्लीट। और फिलअप करने के बाद मिलते हैं आपसे, इसको फिलअप करते हैं, आधार कार्ड इनपुट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया प्रोसेस, ईयर डाले, ओके। तो मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, जैसा कि देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट और हमको मैसेज भी आ गया। तो एक बार मैसेज ओपन करके देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है मैसेज में। तो यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ गया है। तो अब मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो बैक टू चलते हैं अपने वहीं पे और देखते हैं यहाँ पे ऐड मेंबर का ऑप्शन आता है। या दोस्तों हम लोग 4 मतलब मेंबर का, फैमिली मेंबर का एक ही रजिस्ट्रेशन पे ऐड कर सकते हैं और उसका भी सेम है भाई, ID प्रूफ, ID नंबर, नेम देना होगा और कुछ नहीं। और फिर बैक आते हैं वापस और यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक हम एक भी डोज नहीं लिए हैं। तो शेड्यूल का ऑप्शन आता है तो शेड्यूल पे ट्राई करते हैं, शेड्यूल पे जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ नोट्स है, सब डिटेल जो है वो नीचे दिया हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं आप और पढ़ने के बाद शेड्यूल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको कैसे वो टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ सर्च बाय पिन है, तो पिन के थ्रू अगर सर्च करते हैं अपने पिन कोड के थ्रू, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे सर्च करते हैं 18+, एज 45+, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, पेड, फ्री, हर एक चीज़ का ऑप्शन सामने दिख जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो क्लिक करते हैं एज 18+ पे और यहाँ देख सकते हैं नो वैक्सीनेशन सेंटर इज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग। पेड पे भी क्लिक करके, फ्री पे भी क्लिक करके देख लेते हैं, कुछ नहीं है। तो यह कोविशील्ड है बट एज 45+ के लिए है, वो भी बुक्ड है और कोई ऑप्शन यहाँ अभी शो नहीं कर रहा है 8,23,000 पिन कोड में। तो हम लोग के पास और भी ढेर सारा ऑप्शन है, सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप देख सकते हैं इसमें सारे स्टेट्स का नाम जो है वो दिया हुआ है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आपको पता है हम बिलोंग करते हैं बिहार से, तो बिहार को सेलेक्ट कर देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट का अगर बात करें तो अपना डिस्ट्रिक्ट है पटना, बाकी बिहार का सारा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ शो कर रहा है, आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च करना है, इसको सर्च करने से बेनिफिट यह है सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट कि आपको यहाँ जितना भी सेंटर है वो शो करेगा। आप देख सकते हैं AN कॉलेज पटना, एम्स पटना, नीचे आइएगा, मतलब हर एक जितना भी पटना डिस्ट्रिक्ट में जितना भी सेंटर है वो हर एक सेंटर जो है इसमें शो करेगा। आपको पूरा दिखा देते हैं एक बार, पटना सदर, PHC, SK मेमोरियल हॉल पटना, आप मतलब UPHC, दीदारगंज, मतलब हर एक जो है वो इसमें आपको शो करेगा कि पटना डिस्ट्रिक्ट में
कितना सेंटर है और कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो हर चीज़ दिखाएगा, तो देख सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा मेथड है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च करने पे एक बेनिफिट है कि कहीं ना कहीं इशू मतलब मिल जाएगा। जैसे फतुहा में दिख रहा है दो 18+ का जो है डोज जो है वो है अवेलेबल, तो हम लोग यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट टाइम स्लॉट करना है और यहाँ सिक्योरिटी कोड डाल के कंफर्म कर देना है, आपका जो शेड्यूल है अपॉइंटमेंट जो है वो बुक्ड हो जाएगा। तो जैसे अभी दिखा रहा है फतुहा में अवेलेबल है, बट हम पटना में रहते हैं तो फतुहा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अभी के टाइम में। थोड़ा कोविड नॉर्मल हो जाता है तो फतुहा जाके भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अभी के टाइम में फतुहा नॉट सेफ मेरे लिए, इतना दूर जाके नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी हम लोग घर में हैं। जैसे बाढ़ देख सकते हैं, बाढ़ में 27 है। तो ऐसे ऐसे आपको मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह, जैसे देख सकते हैं दानापुर में था, मतलब हर एक जगह पे कहीं ना कहीं अवेलेबल हो रहा है और आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1-18, तो खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा इजी वे में, क्योंकि बहुत लोग को नहीं मिल रहा है। और सही बात है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, लोड इतना ज़्यादा है कि नहीं हो पा रहा। जैसे अभी हम ही जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, बहुत इशू आ रहा था। तो खैर कोई बात नहीं है, ये देख सकते हैं हर एक जगह, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी नाम है हर एक जगह का नाम जो है इसमें मेंशन किया हुआ है, वोमेन ITI दीघा, हर एक चीज़ हर एक इलाका का नाम जो है वो मेंशन है। तो यहाँ मसौढ़ी हम देख सकते हैं, मसौढ़ी पे भी चाहेंगे तो हम बुक कर सकते हैं, लेकिन मसौढ़ी भी काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में तो है, बट जहाँ हम रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर है। तो हम लोग आते हैं एक स्टेप बैक और इसको जो है वो हम लोग पिन कोड से सर्च करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ऑप्शन है अपने पास टेलीग्राम वाला ग्रुप, जो कि स्टार्टिंग में दिखाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 11:09 हो रहा है, 11:06 पे कुछ लीड जो है वो आया हुआ था मसौढ़ी और बाढ़ में, तो वहाँ भी हम लोग देखे मसौढ़ी में खाली था ना। तो यहाँ भी अभी हम लोग पिन करके देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं 45+ वाले लोग के लिए वो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, बाकी 18+ वाले के लिए बुक्ड हो गया है। 18+ वाले में थोड़ा ज़्यादा ये है, मतलब नंबर ऑफ जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बहुत जल्दी बुक्ड हो जा रहा है, मतलब दिखा नहीं कि बुक हो जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शेड्यूल डिशेड्यूल हर एक कुछ कर सकते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं। अभी जैसे हमको लीड मिला 11:10 पे, अभी 11:10 हो रहा है और इस ये पिन कोड है पटना सदर का 8,20,000। तो 8,20,000 यहाँ पिन करके देखते हैं एक बार, और यार 8,20,000 पिन करके देखते हैं। देखिए कोवैक्सीन अवेलेबल है और 18+ के लिए भी 796 अवेलेबल है, 96। तो जैसे हम इस पर क्लिक करके चाहेंगे तो हम इसको बुक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मार लेते हैं प्रूफ के लिए कि हाँ अवेलेबल है और आप लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको, यहाँ कुछ नहीं करना है, टाइम स्लॉट बुक करना है और टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके और बुक कर लेंगे। वैसे हम इस चीज़ को कर रहे हैं लॉग आउट, अभी बुक्ड नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हम एक साथ पूरे फैमिली मेम्बर का इसमें ऐड मेम्बर करके अलकल मॉर्निंग में इसको बुक करेंगे। तो आज का वीडियो यही था।